भाई मूवीज देखना किसे अच्छा नहीं लगता। जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो हम अपनी मूवीज पसंदीदा मूवीज को देखने लगते हैं। इससे पहले हम आपके लिए दो वीडियोस और बना चुके हैं जिसमें हमने आपके लिए कुछ स्पेशल्स मूवी की लिस्ट तैयार की थी। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी मूवीज हैं उसमें, आप एक बार देखेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। लेकिन उसी सीरीज को हम चालू करते हुए आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं एक 5 ऐसी मूवीज की लिस्ट जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। वो क्या है जानते हैं, तो चलिए बताते हैं। हॉलीवुड की मूवी आप बहुत देखते हैं ना, आज हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड में बनी रोंगटे खड़ी करने वाली हॉरर फिल्में। जी हाँ, हॉरर डरावनी फिल्में जो आप देखिएगा, और अगर अकेले में देखेंगे तो आपको और मजा आएगा। भाई डरा नहीं रहे ऐसा नहीं है, अगर आप डरते ना हो तब ही देखिएगा, अगर भूत इन सब चीज़ों से डर लगता है तो बिल्कुल मत देखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी पहली मूवी की तरफ, राज। हो सकता है राज आपने ये मूवी देखी होगी, 2002 में आई थी। शायद हिंदी सिनेमा में अब तक की ऐसी डरावनी फिल्म नहीं बनी है। अब आप बताइए, बनी है तो बनी है, कौन सी बनी है, लिस्ट में हम उसे शामिल करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। वॉट लाइज वेनेट से प्रेरित थी ये फिल्म। फिल्म में डीनो मोरिया और बिपाशा बसु कपल थे। मालिनी शर्मा फिल्म में भूत बनी थी, और भूत बनने के बाद जितना डराती थी ये तो फिल्म देखी होगी उसे तो पता ही होगा। सड़ चुका हड्डियों वाला मुंह जब लोगों को दिखता है तो अचानक चीख निकल पड़ती है। इस फिल्म के कई सीक्वल बने हैं लेकिन इतना कोई डरा नहीं पाया। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। रात, रामगोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी 1992 की फिल्म रात सुपर नेचुरल थ्रिलर थी जो अब एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। रामगोपाल वर्मा की फिल्म रात को देखने वाले दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिल्म का हर सीन इतना डरावना है कि दर्शकों के डर से पसीने छूटने लगते हैं। इस फिल्म के निर्देशन और लेखन रामगोपाल वर्मा ने ही किया है। रात का संगीत बेहद डरावना है, नहीं देखी तो एक बार देखना जरूर, डरते हो तो बिल्कुल मत देखना भाई। अगली मूवी है हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी साल 2013 में आई थी। इसका निर्देशन आयुष रैना ने किया है। फिल्म में रवीश देसाई और हसन जैदी, करण कुंद्रा मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने लिखा था। 7 दोस्तों और उनकी हॉन्टेड होटल में रात गुजारने की खतरनाक कोशिश क्या रंग लाती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। देखिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए कैसी है मूवी। अब जो अगली मूवी की लिस्ट में जो मूवी है वो तो ज़रूर देखी ही होगी, 1920। विक्रम भट्ट की हॉरर सीरीज 1920 भी लोगों को डराने में कामयाब हुई थी। फिल्म में रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा ने अहम भूमिका निभाई। हिंदी में फिल्माई गई यह कहानी साल 1920 में भूतिया घर में रहने वाले एक विवाहित जोड़े के इर्द गिर्द घूमती रही। फिल्म का वो दृश्य जब वो उल्टे पैर से दीवार पर चढ़ती है, देख के डर तो लगने ही लगता है। देखा है ना, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए क्या आपको देखा है वो सीन और कैसा लगा। और ये मूवी है लास्ट हमारी लिस्ट में, फूक 2। निर्माता राम गोपाल वर्मा ने फूक को खुद निर्देशित किया, लेकिन फूक 2 के निर्देशन का जिम्मा उन्होंने मिलिंद गड़गर को दिया था। इस फिल्म को लेकर इनाम भी रखा गया था, कहा गया था कि अगर आप इस फिल्म को सिनेमा घर में अकेले बैठकर बिना डरे देख पाए तो आपको 5,00,000 रुपए मिल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा देखिए, और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो लेके अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।